हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। तो आज का वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको अपने मनी प्लांट का अपडेट दिखाऊंगी और आप लोगों से ये आग्रह करूंगी कि जो लोग अपना अपने घर में कुछ प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो उसमें मनी प्लांट्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इजी टू ग्रो है, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है और बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। तो मैं आपको कुछ अपना अपडेट्स भी दिखाऊंगी जो अभी मैंने कुछ ही दिनों में लगाए थे। और इस समय जैसा कि रेनी सीजन चल रहा है, मानसून के सीजन में आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और पहले तो आप इसको देखिएगा, ये मैंने जन्माष्टमी के अवसर पर थोड़े से राधा कृष्ण को मनी प्लांट के नीचे कुछ रुपयारी सी बना करके उसमें बिठाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एक मैंने प्लास्टिक का पोट लिया है ओवल शेप का, जिसमें कि मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है। बस भगवान श्री कृष्ण को उसमें बिठा दिया है, विराजमान कर दिया है, और एक भगवान कृष्ण को जो गाय प्यारी लगती है, एक गाय उसमें लगा दी है। और इस तरीके से मनी प्लांट को आर्क के रूप में मैंने शेप दी हुई है। तो आप भी ऐसे छोटी मोटी चीज़ खुद बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको अगर इसका मेथड पूछना है, इसकी विधि पूछनी है, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ मनी प्लांट्स की कटिंग दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ ही दिन पहले मोसिस्टिक पर लगाया था, आपके साथ वीडियो शेयर किया था, और मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है ब्राइट लाइट में, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये वाला मनी प्लांट। इसको तो लगाए हुए मुझे लगभग एक महीना ही हुआ है और ये एक महीने में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसको मैंने दूसरी जगह से हटा कर आपको दिखाने के लिए यहाँ लाई हूँ। तो आप देखिएगा, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक मनी प्लांट ये मैंने प्लास्टिक की बोतल में लगाया है, ये आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल है, उसको पेंट किया हुआ है रेड कलर में। और उसमें मैंने बस दो तीन ब्रांच इसकी लगा दी थी स्टेम काट करके, और ये अब इतना बढ़ गया है, आप देख सकते हैं इसको, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इतना बढ़ गया है, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है। तो इसको मैंने भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये बढ़ता हुआ जो है देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस हमें ये करना होता है कि जहाँ जहाँ जो इसकी लीव्स होती हैं येलो कलर की या जो ख़राब हो जाती हैं, समय समय पर हमें उन्हें हटाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसका मेथड बताती हूँ कि इसकी कटिंग को हम कैसे लगाएं, क्योंकि कई लोग जो हैं वो लगाना चाहते हैं लेकिन थोड़ी सी गलती से ठीक से नहीं लग पाता है। देखिए, मैंने ये पोट तैयार किए हुए हैं दो, और मैंने उसी में से कटिंग काट ली हैं, छोटी सी कटिंग काट ली हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये कटिंग लेकर के आपको नीचे की जो लीव्स हैं उनको हटा देना है। मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से आपको बता रही हूँ, हमने इतना देखिए इसके नीचे से कुछ लीव्स को हटा दिया है। हटाने के बाद में जो हमारा नोड एरिया होता है, ये नोड एरिया जो है इस पोट में हमें अंदर तक करना है, थोड़ा सा अंदर तक, एक से डेढ़ इंच तक अंदर करना है। बस इस तरीके से आप लगा देंगे और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका प्लांट बढ़ रहा है, अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो मिट्टी हमें बस सिंपल सी लेनी है, गार्डन सॉइल, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालनी है उसमें, और थोड़ी सी नीम खली आप उसमें डाल दें, और बाकी कुछ नहीं लेना है। और उसके बाद में आप अपने मनी प्लांट को लगाइए, जितनी भी कटिंग आप लगा सकते हैं बहुत आराम से इस समय चल जाएंगी। तो इसी तरीके से इसको भी हम लगा कर देखते हैं। ये देखिए, इसकी मैं थोड़ी सी लीव्स हटा लेती हूँ नीचे से, यहाँ से देखिए इस तरीके से है। तो इसकी मैं कुछ लीव्स ये हटा लेती हूँ, ये नीचे इसका स्टेम है, यहाँ से एक लीव्स मैंने ये हटाई, और यहाँ से कुछ लीव्स हटाने के बाद में मैं इसको इसमें लगा दूँगी। ये दूसरे पोट में मैं लगा रही हूँ,
और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि बहुत अच्छी ग्रोथ ये कर रहा है। और कुछ दिनों में आप इसको अगर बांधना चाहें तो किसी सपोर्ट के साथ बांध दीजिएगा, कोई रस्सी ले लीजिएगा, कोई धागा ले लीजिएगा और उसको इस तरीके से बांध दीजिएगा तो ये लंबे तरीके से ग्रो करेगा। और यदि आपको हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो हैंगिंग में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मेरे 2-3 प्लांट्स हैंगिंग में भी लगे हुए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेनी सीजन में, तो आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरा आज का वीडियो, बताइएगा आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर भी करते जाइएगा। थैंक यू।